वेलकम टू अवर चैनल गार्डन साथ बहू का। आपकी दोस्त आयशा यद्दानी और मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी बहू अली बोमर। हम दोनों की तरफ से बहुत सारी मोहब्बत भरा सलाम हो बोलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए पिछली वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपनी तुरई की सीडलिंग की थी। हालांकि सब मुझे बोले थे कि तुम अभी ये आउट ऑफ सीज़न कर रही हो, तुम्हारी कोई वो नहीं होगी, इसकी प्रिपरेशन कुछ नहीं होगी, प्रोपेगेशन कुछ नहीं होगी इसकी, इसकी कोई फसल आपकी नहीं उतरेगी, आप इसे कोई वो नहीं कर सकेंगी, हार्वेस्टिंग नहीं कर सकेंगी, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि देखें ये मेरी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई। देखें ये मेरी माशाल्लाह से, हालांकि अभी सीज़न नहीं है इसका, लेकिन पौधों का बोलती ना कि मोहब्बत थोड़ी सी दे तो आपको ज़रूर आउटपुट देते हैं। देखें मेरी माशाल्लाह से तो ये लग रही है, एक मेरी ये लग रही है, एक वो लग रही है। अभी हम थोड़ा शादी में मसरूफ़ थे पिछले दिनों, तो मैं इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाई, इसको तोड़ नहीं पाई थी इस वजह से। तो अब मैंने इनको बीज के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे अपने ताज़ा सेहतमंद बीज अपने घर के मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरे बीज तैयार हो जाएंगे। तो देखें दोस्तों ये भी लग रही है, और माशाल्लाह से मेरी उधर फोकस कीजिएगा, उधर भी मेरी तुरई निकलना शुरू हो चुकी है। देखें ये दूसरी तरह की तुरई है। देखें फ्रेंड्स ये मेरी दूसरी तरह की तुरई है, वो एक नस्ल की तुरई थी, ये दूसरी नस्ल की तुरई है। माशाल्लाह से ये देखें आउटपुट देना शुरू हो गई है, इसकी जो है ना फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है ये। और इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ा सा इसको केयर करूँगी। पूरा एक हफ्ते में इनको तवज्जो नहीं दे पाई अपने पौधों को बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में शादी हो रही थी, हमारे भांजे की वो उससे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इनको तवज्जो नहीं दे पाई। लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे आउटपुट दिया, देखेंगे कितने अच्छे लगेंगे। हालांकि अभी मुझे सब बोल रहे थे कि अभी इसका सीज़न नहीं है, आप किसी कोई सीडलिंग नहीं करें, कुछ नहीं करें, ये आपको कुछ नहीं देंगी। लेकिन मेरा चुनू मुन्नू जो है ना मुझे हमेशा आउटपुट देते हैं। तो इसके साथ ही अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।